इससे मुझे जो समझ आई है कि ग्रेडिंग पॉलिसी जो लेकर आई जा रही है ये कि कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ की तरफ बच्चों को लेकर जाया जाए और ख़ासतौर पर जो रट्टा सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अगर हमारे स्कूलों में ही वो पढ़ाया जाएगा, टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से या कॉन्सेप्चुअल स्टडीज़ के हवाले से, तो जो असेसमेंट होगी वो फिर कैसे 100% हो सकती है या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है? बड़ा वैलिड पॉइंट है जी आपका और मैं इसे एग्री करता हूँ। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूँ कि सीएम साहबा ने बिल्कुल इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अक्रॉस पंजाब पहली दफा मुल्क की तारीख में असातिज़ा की जो ट्रेनिंग नीड असेसमेंट है और एनालिसिस है उसको कंडक्ट करने का फैसला किया है। इसके बाद ये पता चलेगा और असातिज़ा को हम जब उनकी ट्रेनिंग्स करवाएंगे तो उसमें उनको हम गाइड कर सकेंगे कि कैसे कंसेप्चुअल स्टडीज की तरफ जाना है और रट्टा सिस्टम से जान छुड़वानी है, बिकॉज पूरी दुनिया जो है अब वो कंसेप्चुअल स्टडीज की तरफ जा चुकी है। अगर बच्चे का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता तो फिर चाहे हम कुछ भी कर लें उनको उनकी असेसमेंट कॉन्सेप्ट बेस्ड हो ही नहीं सकती। तो ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और अल्हम्दुलिल्लाह सीएम और ऑनरेबल जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस पे फुली कमिटेड भी है और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जो है असातिज़ा की उसका आगाज किया जाएगा और पहली दफा ऐसा होगा कि असातिज़ा को उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको सामने रखते हुए उनकी ट्रेनिंग्स भी की जाएंगी और उसका फॉलो अप भी किया जाएगा, सो दैट एग्जाम्स में जब बच्चों ने कंसेप्चुअल स्टडी की होगी तो एग्जाम्स में जब टेस्ट उनका लिया जाएगा असेसमेंट होगी उसी बेसिस पे हो और वो रिफ्लेक्ट भी हो उस पे। अच्छा, और लेकिन ये क्या पॉसिबल हो सकता है मुजम्मल साहब के साथ साथ वो टीचर्स क्लासेस भी ले रहे हैं, अपनी ड्यूटी आवर्स भी पूरे कर रहे हैं और साथ साथ वो ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं? ये पूरी दुनिया में इन सर्विस ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट मौजूद है और तो उसके लिए इस चीज के ऊपर, इस सारी चीज के ऊपर तो फिर क्या असातिज़ा को ऑनबोर्ड लिया गया है? जी मैं आज कर रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि सैटरडे जो है वो बच्चों के लिए ऑफ कर दिया और टीचर्स के लिए अल्टरनेट सैटरडेज को एक ट्रेनिंग का सिस्टम जो इन सर्विस और ऑन गोइंग ट्रेनिंग है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए, सो दैट जो टीचर्स के ऑन गोइंग प्रॉब्लम्स हैं उनको उनको साथ साथ ही सॉल्व किया जाए, ना कि एंड ऑफ द ईयर का वेट किया जाए कि साल खत्म हो तालीमी और गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ ट्रेनिंग करवाई जाए। ऐसा नहीं है, अब ऑनगोइंग एवरी अदर सैटरडे फॉर्टनाइटली जो है असातिज़ा के लिए ट्रेनिंग का इस्तेमाल भी होगा और उनकी जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन भी सामने रखे जाएंगे। अच्छा, मेरा भी मुजम्मिल साहब से एक सवाल है कि जो हमने देखा कि जो पिछले कुछ महीनों में वो जो इम्तहानात चल रहे थे उसमें एक स्कैंडल आया नकल के बाद और उसके बाद टास्क फोर्स बनाई गई और आपने तमाम तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन के साथ मीटिंग की और इस्लाहात का ऐलान किया था, तो वो क्या क्या इस्लाहात जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में या अगले इम्तहानात से पहले हम देखेंगे? जी हम इस पे अभी थोड़ा प्री मैच्योर होगा पूरी बात कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम इस पे ये जरूर कर रहे हैं कि इम्पर्सनेशन के जो केसेस सामने आए हैं, जो चीटिंग के केसेस सामने आए हैं उस पे बड़ा फॉर्म स्टांस लिया और उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर भी करवाई गई और उन लोगों को सस्पेंड भी किया गया और अब उनके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज भी हो रही है। हम ये श्योर करना चाह रहे हैं कि कोई पिल्फरेज ना हो। जो डिफिकल्टी इंडेक्स है अक्रॉस द बोर्ड 9 एग्जामिनेशन बोर्ड्स का वो सेम, ये नहीं है कि एक बोर्ड पे जो है वो पेपर कंपैरेटिवली आसान है और दूसरे में मुश्किल है, ये भी नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे मार्किंग का जो क्राइटेरिया है किसी जगह तो कितनी लीनियंट मार्किंग हो रही है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और एक जैसा ही तालीमी मयार जो है हर बोर्ड्स के अंदर होना चाहिए।